हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। तो गाइस यार, आप सभी को पता होगा कि सीज़न 14 के अंदर एक बहुत ही स्पेशल मोड आया था जिसे बहुत लोग खेलते थे और उसका नाम है एंशिएंट सीक्रेट मोड। तो गाइस यार, आज के इस वीडियो के अंदर आपको टॉप 5 ऐसे मोड्स दिखाने वाला हूँ जो कि PUBG मोबाइल के अंदर बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए थे। और गाइस, आपने भी इन सारे मोड्स को खेलकर काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय किया होगा, तो यार आज के इस वीडियो के अंदर वो सारे मोड्स हम देखने वाले हैं। तो गाइस, कल की वीडियो के अंदर ना 4000 प्लस कमेंट आए थे, लेकिन यहाँ पर जेन्युइन 900 कैसे हैं भाई? बिकॉज यार, कल की वीडियो के अंदर एक ही बंदे ने हजारों कमेंट स्पैम किए गाइस, हजारों कमेंट, आप खुद जाकर चेक कर सकते हो, इतने सारे कमेंट उसने किए ना, क्या ही बोलो। फिलहाल के लिए गाइस, आज के विनर तो यही है यहाँ पर। अगर आपको यूसी जीतनी है तो फटाफट से कमेंट कर दो अपनी पबजी या फिर बीजीएमआई की आईडी। अब यार चलो फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं, रिक्वेस्ट है फटाफट से अभी वीडियो को लाइक कर दो। तो ओके गाइस, हमारी टॉप 5 की लिस्ट में जो पांचवें नंबर पर मोड आता है वो है विंटर मोड। तो गाइस, ये जो विंटर मोड है आया था 0.16.0 के अंदर सीजन 11 में। तो गाइस यार, शुरुआत होती है जब स्पॉन आइलैंड पर। तो गाइस, आपको यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा किला देखने को मिलता है, या फिर आप इसे कहते हो कैसल देखने को मिलता है, जो कि काफी मजेदार था गाइस, यहाँ पर पूरा बर्फ से ढका हुआ। और गाइस, ये वाले मोड के अंदर आपको स्पॉन आइलैंड पर यानी कि इस किले के ऊपर आपको गन्स मिल जाती थी भाई, ये देखो, हाथ में गन लेकर आप घूम सकते थे बड़े मजे से। तो ओके गाइस, अब आते हैं इस मोड के दूसरे फीचर की तरफ। तो यहाँ पर देखो, जॉर्जो पुल से लेकर जो जॉर्जो पुल की पहाड़ी है वहां तक एक जीप लाइन रहती है, या फिर आप इसे कह लो केबल कार आती जाती है वहां पर। चलो मैं आपको इसके अंदर ही दिखाता हूँ जाकर। तो गाइस, इसके अंदर जाने के बाद आपको यहाँ पर देखो इतनी बड़ी जिप लाइन देखने को मिलती है, जिसकी मदद से आप वहाँ पहाड़ी तक जा सकते हो या फिर उस पहाड़ी से नीचे भी आ सकते हो। और गाइस, ये जो फीचर है ना, सिर्फ एक ही जगह पर नहीं था, मतलब अलग अलग लोकेशन पर भी था। जैसे कि वहाँ पर भी एक और जिप लाइन आगे की तरफ आप देखोगे तो। अब देखो यार, ये जो केबल कार है, इसके अंदर जाने के बाद आपको यहाँ पर बटन दबाना होता है और ये अपने आप ही चलना स्टार्ट हो जाती है। जैसे कि अभी देख सकते हो, यहाँ पर काफी बंदे इसके साथ ट्रोल भी करते थे। और गाइस, चलती केबल कार से आप यहाँ से फायरिंग भी कर सकते थे और साथ में आपको थोड़ा बहुत कवर भी यहाँ पर मिल जाता था। वैसे गाइस, नीचे से कोई भी बंदा आपको यहाँ पर नहीं मार सकता। ओके गाइस, एक और फीचर देखते हैं, जो स्कूल और पोचंकी के बीच में जो पहाड़ रहता है वहां पर जाने के बाद आपको इस तरह का कुछ क्रेट देखने को मिलता है। एक मिनट, मिलता है नहीं, मिलता था। अब देखो यार, इस क्रेट के अंदर आपको क्या मिलता था वो देखो भाई साहब, यहाँ पर लेवल 3 की लूट, फ्लेयर और एटेक्स स्कोप। ये मोड एक साल पहले आया था और यहाँ पर आपको एंग्री बर्ड का कोलैब भी देखने को मिला होगा, तो एंग्री बर्ड वाले बॉम्ब भी यहाँ पर मिलते थे। अब गाइस, कमेंट में बताओ इस तरह के मुर्गे किन किन लोगों ने बनाए भाई। मैं तो भाई इसको खूब यूज करता था, मतलब रास्ता ब्लॉक करने में, ब्रिज ब्लॉक करने में काफी ज्यादा यूजफुल रहते थे। अब ये देखो भाई, जो यास्नाएं के पीछे वाली पहाड़ी थी वहां पर आपको स्केटिंग ट्रैक देखने को मिलता था, जहाँ पर आप अच्छे से स्केटिंग कर सकते थे, किसी के साथ रेसिंग भी कर सकते थे। काफी मजेदार था गाइस ये। और भी गाइस काफी सारे फीचर थे जो कि काफी ज्यादा एक्साइटिंग थे। वैसे गाइस, किस किस ने मोड को खेला है कमेंट में बताना, और आपका फेवरेट है या फिर ये भी कमेंट में बताना। और गाइस, ये तो सिर्फ पांचवा मोड है, अभी तो और भी मोड थे जो कि बहुत पॉपुलर हुए थे, चलो मैं आपको दिखाता हूँ। ओके गाइस, इस लिस्ट के जो फोर्थ नंबर वाले मोड का नाम है सेकेंड एनिवर्सरी मोड। ये भी इरंगल मैप के अंदर ही आया था। अब गाइस, शायद ही कोई ऐसा प्लेयर होगा जिसने यार ये मोड नहीं खेला होगा। हो सकता है अभी वाले जो न्यू प्लेयर आए उन्होंने नहीं खेला हो, लेकिन यार एक साल पहले ये मोड आया था भाई साहब, तबाही मचा दी थी। तो गाइस, ये 0.17.0 अपडेट के साथ में आया था सीजन 12 के अंदर। तो गाइस, इस मोड के अंदर आपको इरंगल मैप के अंदर एक बहुत ही बड़ा अम्यूजमेंट पार्क देखने को मिलता था, जहाँ पर बहुत सारे गेम्स थे। साथ में गाइस, यहाँ पर कुछ गेम्स खेलकर आप लूट भी ले सकते थे, और साथ में गाइस इस तरह के कुछ मिनी गेम्स भी आप यहाँ पर खेल सकते थे। और हाँ गाइस, यहाँ पर ये सबसे बड़ा हॉट ड्रॉप भी था, यहाँ पर लूट भी बहुत ज्यादा मिलती थी। अभी गाइस, सीजन 18 के अंदर एक मोड आया था थर्ड एनिवर्सरी वाला, लेकिन वो इतना ज्यादा खास नहीं था जितना कि सेकंड एनिवर्सरी मोड। और गाइस, ये वाला फीचर तो आप सभी ने यूज किया ही होगा, जो कि अभी आपको ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर भी देखने को मिलता है। मतलब क्या ही मस्त फीचर था, सबसे पहले इसी के अंदर आया था गाइस। और गाइस, ये वाले मोड के अंदर भाई साहब इतने सारे बंदे यहाँ पर उतरते थे कि गेम ही लैग होने लग जाता था। तो गाइस, किस किस बंदे ने ये मोड खेला है कमेंट में जरूर बताना, और ये भी बताना क्या ये वाला मोड आप सभी लोगों का फेवरेट है या फिर नहीं। और गाइस, ये वाले मोड के अंदर अगर मुझसे कुछ छूट गया हो जो कि मैंने इस वीडियो के अंदर नहीं बताया, तो आप मुझे नीचे कमेंट में बता सकते हो। ओके गाइस, इस लिस्ट का जो टॉप 3 पर मोड है उसका नाम है इन्फेक्शन मोड। अब गाइस, ये मोड तो शायद ही किसी ने नहीं खेला होगा। तो यार, अभी आप लोग बोलोगे भाई यार, ये तो इवो ग्राउंड का मोड है ना। हाँ गाइस, जानता हूँ, लेकिन ये सबसे ज्यादा पॉपुलर मोड है। इस मोड को तो मतलब गेम के अंदर भाई बच्चा बच्चा खेलना पसंद करता है, इतना ज्यादा मजा आता है इसके अंदर। और गाइस, ये जो मोड है ना इन्फेक्शन मोड, ये आपको सीजन 9 या फिर 10 के आसपास देखने को मिला था। और गाइस, इस मोड के आने के बाद सच में यार धमाल हो गया था, बिकॉज यार उस टाइम पर बहुत सारे जॉम्बीज मोड आए थे, जिसमें से सबसे ज्यादा पॉपुलर तो ये वाला मोड हुआ था। और जो बाकी दो मोड आप सभी को पता ही है, डार्केस्ट नाइट हो गया या
गया, फिर जॉम्बी सर्वाइव टील डाउन हो गया, ये सारे मोड भी काफी पॉपुलर हुए थे, लेकिन सबसे ज्यादा खेले जाने वाला मोड यही था। और ये जो इन्फेक्शन मोड है ना, फिर से गेम के अंदर अभी आने वाला है, 31 अक्टूबर को आपको ये मोड देखने को मिल जाएगा आपको बीजेएमआई और पबजी मोबाइल दोनों के अंदर। तो भाई तैयार रहना इस गेम के लिए। फिलहाल के लिए सर्वाइव टील डाउन तो अभी आ ही चुका है बीजेएमआई फिर पबजी के अंदर, जाओ यार फटाफट से खेलो उस मोड को, बिकॉज अभी ये जितने भी मोड आने वाले हैं ना अगले अपडेट के बाद ये सारे मोड वापस से हट जाएंगे, फिर आपको देखने को कब मिलेंगे कोई नहीं बता सकता गाइस। ओके गाइस, अब जो सेकंड नंबर का मोड है ना बड़ा ही तबाही मोड है और सभी के दिलों में उतरा हुआ है, और गाइस सभी मांग कर रहे हैं कि भाई यार इस मोड को वापस लेकर आओ। तो गाइस ये मोड आया था 0.19.0 सीजन 14 के अंदर, और गाइस वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर मोड था ये। तो अब यार काफी लोग बोलेंगे भाई यार इतना ही पॉपुलर मोड है तो इसको सेकंड नंबर पे क्यों रखा है, तो यार अभी फर्स्ट नंबर का मोड आपने देखा गया है, अभी दिखाऊंगा गाइस, टेंशन मत लो। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं स्पॉन आइलैंड की, यहाँ पर गाइस इतना बड़ा फेरो आता है, इतना बड़ा फेरो आता है कि फेरो ने भी सोची ना होगी। और गाइस ये जो एंशिएंट सीक्रेट टेम्पल वाला मोड है ये भी आपको इरेंगल मैप के अंदर ही देखने को मिलता था। यहाँ पर गाइस बात करें तो इतना बड़ा टेम्पल था ना भाई, यहाँ पर इतने ज्यादा बंदे उतरते थे, सबसे बड़ा होड्रॉप था यहाँ तो भाई, मतलब उतरते के साथ ही गन फाइट शुरू, और यहाँ पर उतरते के साथ ही कितनी बार तो आप चेप दिए जाते होंगे या फिर आपने एनिमी को चेप दिया होगा। ये वाले एंशिएंट टेम्पल की सबसे अनोखी बात तो ये थी गाइस, ये हवा में उड़ता था, अभी आपको दिखाऊंगा कैसे हवा में उड़ता था और इसके अंदर क्या क्या था भाई। तो यार आपके लैंड होने के बाद यहाँ पर कुछ टाइमिंग चलता था, जैसे कि आप यहाँ पर मैप के नीचे देख सकते हो, जैसे वो मैप के टाइमिंग खत्म होता था ये टेम्पल सीधा हवा में भाई, और जो बंदे नीचे रह गए वो नीचे रह गए, बस ऊपर नहीं आ सकते वो जब तक मोड एंड नहीं होता। और गाइस इस टेंपल के अंदर एंटर करने के बाद आपको यहाँ पर चार कोनों में चार तरह की पजल देखने को मिलती है, जिसको सॉल्व करने के बाद आपको बड़ी ही फटीचर लूट मिलती थी, जैसे कि एसकेएस हो गया, स्नाइपर हो गया, ये सब मिलते थे, मतलब ज्यादा कुछ खास नहीं मिलता था। और जैसा कि मैंने आप सभी को बोला कि ये जो टेंपल है ना सीधा हवा में चले जाता था, अभी आपको दिखाता हूँ ऊपर का व्यू, ये देखो यहाँ पर गाइस इरेंगल मैप के अंदर टोटल ऐसे ना तीन टेंपल्स होते थे, तीनों के अंदर मतलब अलग अलग बंदे चले जाते थे, सभी तरह की पूरी लॉबी अलग अलग टेंपल्स के अंदर चली जाती थी, और जो भी सर्वाइव करता था वही सबसे ऊपर रहता था, जो भी स्क्वाड सर्वाइव करती थी। और गाइस इस टेंपल के अंदर दो माले थे, सेकंड वाले माले के ऊपर आपको इस तरह के कुछ ये क्या कहते हैं पता नहीं जो भी ये देखने को मिलते थे, यहाँ पर एक बटन आता था, इसको दबाने के बाद दोनों को दबाने के बाद बीच में से भाई साहब नागिन निकलती थी, नागिन बहना भी आएगी देखना, वो देखो यहाँ से नागिन प्रकट हो चुकी है, और काफी सारे स्नैक भी आते थे नीचे से। और गाइस यहाँ पर ये नागिन आपको पहले मारे उससे पहले आपको नागिन को मारना होता था, और नागिन को मारने के बाद आपको एक सामने की तरफ गोल्डन क्रेट देखने को मिलता था, गोल्डन क्रेट के अंदर आपको लूट मिलती थी भाई, और इसमें जो लूट मिलती थी वो थी लेवल 3 की लूट, और ये लूट जो है ना काफी ज्यादा काम की थी। अभी आप अपोजिट साइड में उड़ रहे टेम्पल्स को भी देख सकते हैं, ऐसे टोटल तीन टेम्पल होते हैं, और कितनी बार क्या होता है तीन आपस से करीब से भी निकलते हुए दिखाई देते हैं। और गाइस ये वाले टेंपल के साथ आप कई तरह की टिप्स एंड ट्रिक्स भी कर सकते थे, बहुत सारे अमेजिंग फीचर थे इसके साथ में। तो गाइस कैसा लगा ये टेंपल मोड आपको, अगर आपका ये फेवरेट था तो कमेंट में बताना मुझे। ओके गाइस अब बात करते हैं नंबर वन मोड की, तो इसके अंदर आता है द मोस्ट 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 पॉपुलर मोड ऑफ द पबजी मोबाइल। गाइस अब तक पबजी मोबाइल के अंदर जितने भी मोड आए ना उसमें से सबसे ज्यादा पॉपुलर यही मोड था, इतना ज्यादा पॉपुलर भाई साहब क्या ही बोले। तो गाइस ये था गोडजिला वर्सेस कॉन्ग मोड, और ये मोड आया था सीजन 19 के अंदर। इसके अंदर हमें भाई इरेंगल मैप के अंदर तो गोडजिला देखने को मिला था, सेनोक मैप के अंदर हमें कॉन्ग देखने को मिला था, और लिविक मैप के अंदर हमें मैका गोडजिला मोड देखने को मिला था। तो यार इन सभी की जो एंट्री होती है ना बहुत ही खतरनाक रहती है। बात करें सबसे पहले गोडजिला की, एकदम ऐसा लगता है जैसे कोई दानव आ रहा है सामने की तरफ से भाई साहब, एकदम सिनेमेटिक शॉट रहता है। वैसे तो यार ये दानव ही है ना, मॉन्स्टर कहते हैं इसको, हाँ तो यहाँ से मतलब क्या ही सीन रहता है। और उसके बाद यहाँ पर लेजर बीम जो छोड़ता है ना भाई, खतरनाक सीन रहता है ये देखो, ये सीन मुझे बहुत तबाही लगा था उस टाइम पर। गोडजिला आपको इरेंगल में देखने को मिलता था, और मोस्ट पॉपुलर ग्लिच गाड़ियों को हवा में उछालने वाला भाई साहब, गोडजिला पूंछ से ऐसे गाड़ियों को हवा में फेंकता था, मैप दिख जाता था पूरा ऊपर से। कौन कौन इसके पैर के नीचे आके मरा है मुझे नीचे कमेंट में बताना भाई, ये देखो भाई साहब ये क्या सोच के इसके नीचे गया। उसके बाद देखो इरेंगल के अंदर ये गोडजिला का बिल्डिंग तोड़ने वाला सीन, ये भी काफी तबाही था है ना। इसके तोड़ने के बाद यहाँ पर जो एक गेट है ना वो अनलॉक हो जाता था, और यहाँ पर हमें कुछ लूट मिलती थी जो कि एकदम बकवास थी। गोडजिला अपने पिछवाड़े से मतलब इस तरह के क्रिस्टल छोड़कर जाता था यहाँ पर, ये देखो इसे यूज करने के बाद यहाँ से बम फूटते थे भाई, ये देखो दिवाली यहीं पर बना रहे हैं भाई हम लोग। और गाइस गोडजिला के अलावा यहाँ पर तरह तरह के मॉन्स्टर्स हमें देखने को मिलते थे, लाइक ये स्पाइडर हो गए, स्पाइडर है पता नहीं क्या है कौन सी प्रजाति है यहाँ पर, और साथ में हमें लिजार्ड देखने को मिलते थे जो कि कॉन्ग मूवी के अंदर आए थे। इसके अलावा जो कॉन्ग था वो हमें सेनोक मैप के अंदर देखने को मिला था, भाई साहब देखो कितना मासूम बन रहा है,
इसके चारों तरफ हेलीकॉप्टर घूम रहे हैं भाई। अब ये हेलीकॉप्टर को ऐसा तोड़ेगा ना भाई, क्या ही बोलूं मैं। और यार ये वाली हरकत तो मतलब हर कोई करता था हवा में जाने के लिए, मतलब बिन बात के हैकर हर किसी को बनना है। तो इसी बात का कॉन्ग ने करारा जवाब दिया भाई, ले बन हैकर। कॉन्ग मोड के अंदर आपको जो येलो कलर के क्रिस्टल मिलते थे, इनको यूज करने के बाद हमारा प्लेयर बहुत तेज भागता था। लेकिन गाइस कुछ दिनों बाद मतलब ये वाला जो फीचर था इसको रिड्यूस कर दिया, मतलब इसकी पावर कम कर दी वगैरह, बेकार कर दिया था एकदम क्रिस्टल को। पहले बहुत ज्यादा मजा आ रहा था, काफी लोगों को हैकर की तरह फील कर रहे थे, लेकिन यार वो जो खुशी थी ना ज्यादा दिनों तक टिकी नहीं। तो बताओ यार कमेंट में आपका सबसे फेवरेट मोड कौन सा था, और ये वीडियो आपकी कैसी लगी वो भी नीचे कमेंट में बताओ, सबसे इंपॉर्टेंट तो यही सवाल है ना। तो गाइस यार मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ न्यू इन्फो के साथ। अगर आपको ऐसी और भी वीडियोस देखनी है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए यार बाय बाय फ्रेंड्स।